स्वागत है आपका भाई साहब हमारे YouTube चैनल में। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। इस वीडियो में हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिला था। तो और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर पिछले साल जो है यहाँ पर ओपन मेरिट में सीट्स कन्वर्ट हुई थी, जो कैटेगरी में बची थी कैसे हुई थी, किस हिसाब से हुई थी। आप सबके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, अगर इस साल भी वैसा ही होता है तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पिछले साल तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8536 तक काउंसलिंग यहाँ पर हुई है, मतलब स्टूडेंट्स ने की है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 3125 रैंक इकरा अमजद, यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक 8 8 4 9 6 फीमेल एसटी बीएस नर्सिंग इनको मिला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी में। यहाँ पर एसटी पे इनको 30 पॉइंट्स पे मिला है। पिछले साल ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी डाउन हुआ था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कुछ कॉलेज रखे थे कुछ कॉलेज रखे थे। तो यहाँ पर इस साल तो यहाँ पर 700 यहाँ पर 60 आई थिंक बुलाए गए हैं, तो यहाँ पर उतने ही यहाँ पर इस साल तो 7000 के आसपास ही बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर जो है 1500 ज़्यादा थे, 1500 स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, इस साल कम है। तो कटअप तो इस बार कम होगा ही उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेक्शन लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर दे दी है, आज मैं फिर से यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अब आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसमें कि पिछले राउंड यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर कम हुआ, ये रहा यहाँ पर पिछले राउंड का, यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल का सेकंड राउंड, जिसमें कि ये तो थर्ड राउंड में होती है सीट्स कन्वर्ट, बट पिछले साल जो है सेकंड राउंड में ही हुई थी, और इस बार भी यहाँ पर हो सकता है कन्वर्ट हो, क्योंकि 31 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड राउंड यहाँ पर बी एस नर्सिंग के लिए, यहाँ पर एक रैंक से 8551 तक काउंसलिंग हुई थी। तो यहाँ पर उनको बुलाया गया है एस टी और एस सी कैंडिडेट्स, जो भी कैटेगरी यहाँ पर मैंशन है, जे के पी एम पी एस पी एस सी एस पी एल सी स्लैश आई बी कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो आर बी ए वालों को यहाँ पर जो है यहाँ पर 14 तारीख को बुलाया गया था, और 16 से यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट्स को इन कैटेगरीज में सीट नहीं, उस दिन सिर्फ कैटेगरी वाले जा सकते थे, अगर आपको कैटेगरी में सीट नहीं मिलती तो फिर आप ओपन मेरिट में और जा सकते थे। जैसे कि यहाँ पर 16 तारीख को 1 से 600 तक है, उसके बाद यहाँ पर 600 1 से 1200 तक है, तो आप इसमें भी जा सकते थे अगर आपको मिल नहीं मिलती कैटेगरी में सीट। फिर आप सब स्टूडेंट जो है ओपन मेरिट ट्रीट होते हैं, मतलब फिर आपका कैटेगरी का यूज़ नहीं होता है, तो ये एक गुड न्यूज़ होती है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर उनका मतलब जो कंपटीशन होता है वो सेम होता है सबके साथ, फिर कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन कौन एलिजिबल नहीं थे, जिनको सीट मिली एडमिशन नहीं की वो एलिजिबल नहीं है, और जिनने कैंसिल की ज्वाइनिंग करने के बाद, और एलिजिबल कौन कौन होते हैं, जिनने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर सीट मिली एंड ज्वाइन भी किया, उसके बाद सी एन ए एस एन ए जिसने रखा, या फिर जिसको मिला ही नहीं, या फिर जिसने मिस किया फर्स्ट राउंड, तो उनको भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं द बोर्ड शेल कंडक्ट द काउंसलिंग ऑफ आर रिजर्व कैंडिडेट्स ऑन 12th and 14th January 2023 एज पर देयर रैंक कैटेगरी एज इंडिकेटेड इन द अबाउट टेबल। इन केस एनी कैंडिडेट्स हु मे नॉट गेट सीट इन हिज हर रिलेवेंट कैटेगरी ही शी शेल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर काउंसलिंग एज एन ओपन मेरिट कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आपको कैटेगरी में सीट नहीं मिलती। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, अगर आपको कैटेगरी में सीट नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल आपको एस सी आर बी ए इन कैटेगरीज में आपको सीट नहीं मिलती किसी भी कैटेगरी में जो यहाँ पर मैंशन है, तो आप फिर ओपन मेरिट में भी उसी रैंक के साथ जा सकते हो, मगर तब आपको ओपन मेरिट ट्रीट किया जाएगा। और कट ऑफ हो सकता है डिक्रीज भी हो, यहाँ पर चांसेस हो सकता है यहाँ पर हो, बट अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि पिछले साल कट ऑफ कितना कम हुआ था, क्योंकि 1500 बच्चे ज़्यादा थे, इस बार 1500 बच्चों के आसपास यहाँ पर कम है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कट ऑफ थोड़ा बहुत डिक्रीज तो होगा ही उस हिसाब से। तो टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन लिस्ट भी आपका हो सकता है जल्दी आए, तो वेट करिए।